कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के रिलीज डेट पर रोक को लेकर कोर्ट पहुंचे को प्रोड्यूसर, आज होगा फैसला। कंगना रनौत की फिल्म को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, इस वजह से उसकी रिलीज डेट को भी टाल दिया गया है। दरअसल लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए फिल्म को CBFC की तरफ से अब तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। अब फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होगी या नहीं, इसका फैसला आज हो जाएगा। दरअसल फिल्म के रिलीज को लेकर और सेंसर सर्टिफिकेट की मांग करने के लिए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी एंटरटेनमेंट फिल्म की निर्माता है। फिल्म में कंगना ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। इस फिल्म को लेकर पंजाब में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सिख संगठनों ने इस पर बैन लगाने की मांग की। श्रोमणि अकाली दल समेत सिख संगठनों ने फिल्म के मेकर्स पर सिखों की भावनाओं को आहत करने और उनकी गलत छवि को दिखाने का आरोप लगाया है। समुदाय का आरोप है कि इसे उससे जुड़ी घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दायर याचिका में दावा किया गया है कि CBFC ने अवैध और मनमानी ढंग से प्रमाणीकरण रोक दिया है। वही एक वकील के मुताबिक याचिका में दावा किया गया है कि सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट के साथ तैयार है, लेकिन वो इसे जारी नहीं कर रहा है। याचिका को तत्काल सुनवाई की जिम्मेदारी जस्टिस BP कोलवावाला और फिरदोश पुनीवाला की खंडपीठ ने ली है। कंगना रनौत की ये फिल्म 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1970 तक देश में लगाए गए 21 महीनों के आपातकाल की कहानी पर आधारित है। कंगना इस फिल्म की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है।